नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन चार संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारे घर में कोई दिव्य शक्ति जरूर है। दोस्तों, जब कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती है तो आपके शरीर का स्वभाव बदल जाता है, आपके घर का माहौल बदल जाता है। और ये दिव्य जो शक्तियाँ होती हैं, ये आपको पूर्व जन्म से ही प्राप्त होती हैं, एक वरदान रूप में आपको प्राप्त हो जाती हैं। ईश्वर लाखों में से दो बच्चों को ही ये शक्तियाँ प्रदान कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ही दिव्य शक्तियाँ हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में अपने इष्ट की पूजा की हुई है, जो इस जन्म में भी अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को ईश्वर अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं, ताकि आप लोग ईश्वर की तरंग का एक हिस्सा बनकर औरों के दुखों को दूर कर सको, औरों की परेशानियों को, औरों की उलझनों से आप उनको बाहर निकाल सको। इसलिए आपको ये दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगर आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं लेकिन फिर भी आप केवल अपना ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, उनसे घृणा करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों वो जो दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं। ये दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन को एक सफल रास्ते की ओर ले जाती हैं, आपको एक सही रास्ता चुनने में मदद करती हैं, आपके लक्ष्य को पूरा करने में ये सहायता करती हैं। इसी के साथ आपके आसपास वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी ये दिव्य शक्तियाँ मदद करती हैं, उनकी भी सहायता करती हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे उन दिव्य शक्तियों को? आज मैं मुख्य चार संकेत आपको बताता हूँ। अगर आपको भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं तो आपके साथ इस प्रकार के अनुभव जरूर हुए होंगे। सबसे पहला अनुभव है संकेत। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में खुद से ही विचार आते हों, वो अकेला रहना पसंद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अकेला रहेगा या फिर वो भक्ति में या ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करना चाहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, अकेले में उसका मन लगेगा। लेकिन वो दूसरों को लगेगा कि वो अकेला है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ ईश्वर की अनेकों शक्तियाँ हैं, उसका जो मेल मिलाप है वो ब्रह्मांड की अनेकों ऊर्जाओं के साथ है। उसका जो इच्छा होगी, जो मन होगा, अपने अंदर से ही बातें करने को करेगा, अपने आप को जानने का करेगा। उस व्यक्ति के साथ अपने आप ही उसके दिमाग में, उसके विचारों में वो विचार आते हैं जो उसके जीवन को सफल बनाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा है जो उसके साथ बातें करती है। जैसे आप अगर कोई बात किसी से करना चाहते हो या फिर कोई निर्णय आप लेना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही वो विचार आ जाते हैं जो निर्णय आपके लिए सही होता है। मतलब खुद से ही विचार अगर आपके दिमाग में अपने आप ही आते हों और वह विचार आपके लिए सही हो, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो, नहीं, वो सही होने चाहिए। जैसे आपने अपना कर देखा, आपने टेस्ट किया कि हाँ, जो मेरे मन में विचार आया वो बिल्कुल सही था। तो इस प्रकार का अनुभव अगर आपके साथ होता है तो यह दिव्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि वो आपके दिमाग से जुड़ चुकी है। ऐसा व्यक्ति ना ज़्यादा बोलना पसंद करेगा, ना ज़्यादा किसी से बात करना पसंद करेगा। ऐसा व्यक्ति खुद में ही ज़्यादातर खुश रहना पसंद करता है। दूसरे जो लोग हैं उसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वो हर एक को बिल्कुल आसानी से समझ लेगा। हर एक की परेशानी, हर एक के विचारों को वो व्यक्ति पढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ऐसा व्यक्ति बीमार बहुत रहता है। आप लोग कभी महसूस करोगे कि अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो आप बीमार जरूर रहोगे। क्यों? ज़्यादा बीमार रहोगे। क्यों? ऐसा भी नहीं है कि बड़ी बीमारियां आपको लगेंगी, नहीं, हल्की हल्की बीमारियां आपके शरीर में रहती हैं। ऐसे का जो बुखार है वो बढ़ता आपको महसूस होता रहेगा कि जैसे आपको बुखार हुआ है। आपकी बीमारियां क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि आपके साथ हैं दिव्य शक्तियां, मतलब कि ईश्वर की शक्तियां। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाते हो जो बीमार है, जो परेशान है, उसकी जो बीमारी है वो तुरंत ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसी के साथ उसकी जो बीमारी है वो आपके शरीर पर उसका कुछ परसेंट भार आ जाता है, लेकिन जो जिसके पास भी जाओगे वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, आपको बीमारी आ जाती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपने आप को बीमार
वो सोचने लग जाता है कि शायद मुझे बुखार हुआ है, मेरा सर भारी है और मेरे शरीर में दर्द है। तो इस प्रकार की जो परेशानी है वो भी उस व्यक्ति के साथ होने लग जाती है, लेकिन वो कुछ पल के लिए, कुछ सेकंडों के लिए ही उस व्यक्ति के साथ ऐसा अनुभव होता है। बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरे संकेत में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को ईश्वर, देवी देवता, जो भी उनके इष्ट हैं, स्वप्न में आकर उनकी हर बात का सवाल देते हैं। मतलब अगर आप रात्रि में सोते हो और सोते हुए आपको ऐसा लगता हो कि जैसे कोई ईश्वर की तरंग, या फिर आप जिस ईश्वर को मानते हो, जैसे श्री कृष्ण महाराज को, या फिर हनुमान जी को, महाकाली को, या अन्य माँ दुर्गा को, किसी भी देवता को आप मानते हो, और वो देवी देवता आपको स्वप्न में आपसे बातें करते हो और आपको ऐसा लगता हो कि जैसे जो भी परेशानी होती है उसके बारे में वो ईश्वर आपसे स्वप्न में चर्चा करते हो, ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा बार बार होता है। हफ्ते में जैसे जब भी आपने ईश्वर से कुछ पूछना चाहा और ईश्वर आपको स्वप्न में आकर उस बारे में चर्चा करते हो, आपके जीवन के बारे में चर्चा करते हो, आपके लक्ष्य के बारे में वो चर्चा करते हो, या फिर आपके घर के बारे में आपको कोई संकेत देते हो, स्वप्न में आकर कोई बात बताते हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वर का एक संपर्क होता है, जो कि आपको स्वप्न में आकर वो ईश्वर आपसे बातें करते हैं, आपको संकेत भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर जो स्वप्न आते हैं वो मंदिर या फिर ज्योति दिखाई देना, मंदिर दिखाई देना, ईश्वर की, देवी देवताओं की तस्वीर, मूर्तियाँ, इस प्रकार के स्वप्न उस व्यक्ति को ज़्यादातर आते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी मंदिर में घूम रहा है, या फिर किसी यात्रा पर जा रहा है, या फिर किसी तीर्थ धाम के दर्शन करने वो जा रहे हैं। तो इस प्रकार के स्वप्न उस व्यक्ति को अधिकतर आते हैं। ऐसे व्यक्ति को नाग देवता के दर्शन भी जरूर होते हैं। स्वप्न में बार बार किसी सांप का दिखना, जैसे वो आपके पीछे भाग रहा है, या फिर आपके पीछे शेर भाग रहा है, मतलब कि जो इस प्रकार के अनुभव होते हैं वो उस व्यक्ति को ज़्यादातर आते हैं। स्वप्न में भी उसको ऐसी ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा होने पर भी आप मान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ जरूर हैं। तो इसी प्रकार तीसरा संकेत आता है। तीसरे संकेत में बताया है कि ऐसे व्यक्ति को अचानक ही आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। उनको एक ऐसा होता है ना कि मन में एक वहम आता है कि जैसे किसी ने उनको आवाज़ लगाई हो, या तो आप पूजा कर रहे हों, या फिर आप अकेले बैठे हों, अकेले बैठे बैठे आप ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, आपको बार बार ऐसा लगे कि जैसे किसी ने आपका नाम लेकर आपको पुकारा है। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे आपके घर में से किसी सदस्य ने ही आपको आवाज़ लगाई है, लेकिन वो वास्तविकता में आवाज़ उस ऊर्जा की होती है, उस दिव्य शक्ति की होती है जो आपको पुकारती है। ऐसे व्यक्ति को ध्वनियाँ भी सुनाई दे सकती हैं, जैसे ओम की ध्वनि सुनाई देना, किसी कोई देवी देवता का भजन सुनाई देना, मंत्रा सुनाई देना, या फिर शंख बजता हुआ सुनाई देना, मंदिर की घंटी बजती हुई सुनाई देना, इस प्रकार की ध्वनियाँ उस व्यक्ति को सुन सकती हैं। और आपकी जो निद्रा है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच का होता है, जिसको अमृत वेला कहा गया है। ऐसे व्यक्ति की जो नींद है वो अधिकतर इसी समय के बीच खुलनी शुरू हो जाती है, और उसको रात्रि में निद्रा भी बहुत ही ज़्यादा कम आती है। ऐसे व्यक्ति को पूजा करते हुए हवाओं का एहसास होता है, जैसे उसे लगेगा कि जैसे कोई ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही है, उसके घर में शीतलता का वास होता है, उसके घर में एक बहती हुई ठंडी हवा उसको महसूस होने लग जाती है, उसका जो मन है वो अपने ही घर में ज़्यादा लगेगा, और जो आसपास के आपके व्यक्ति हैं वो भी आपके घर पे आना पसंद करते हैं, आपके साथ बात करना पसंद करते हैं, आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, आपके घर में उनको एक शांति का एहसास होता है। तो ऐसा अनुभव भी अगर आपको होता है तो आप समझ जाएं कि आपके घर में कोई ना कोई दिव्य शक्ति ज़रूर है जो आपके साथ चल रही है। अब बात आती है चौथे संकेत की। ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। उनके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हर परेशानी उन्हीं के जीवन में आकर बैठ गई है, लेकिन समय के अनुसार उस परेशानी का हल भी उन्हें तुरंत मिल जाता है, वो किसी बड़ी परेशानी से बचने मतलब उलझने में से बच जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो तेज होता है। हर एक जैसे किस्मत होती है वो बदलनी शुरू हो जाती है। जो भी काम आप करने की सोच
होते हो वो अपने आप ही पूरे होते चले जाते हैं, एक रास्ते आपके खुलने अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति का मन अपने देवी देवता के आगे बैठकर अपनी परेशानी बताने का करता है। अगर किसी के पास कोई दिव्य शक्ति है तो वो अपनी परेशानी ना किसी मनुष्य को बताते हुए अपने देवी देवता से चर्चा करनी पसंद करता है। ऐसे वो रोने भी लग जाता है अपने ईश्वर के आगे, लेकिन जब वो रोता है उनके आंसू बाहर आने के साथ उनका मन हल्का हो जाता है और उनकी जो परेशानियां भी है वो तुरंत खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई शक्ति है जो उसके आसपास घूम रही है। ऐसे व्यक्ति को रात्रि में भी कई बार आभास होता है कि जैसे उनके पास कोई आया है या फिर उनके पीछे कोई खड़ा था या फिर पूजा घर में कोई आया है या फिर मतलब आपके घर में कोई घूम रहा है। ऐसे व्यक्ति को आवाजें भी आ सकती हैं, तो ऐसा होने पर भी दिव्य शक्तियों का एक संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में एक जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है, जहाँ पर थर्ड आई है, वहाँ पर एक खिंचाव उसके बना रहता है। उसको वो जब भी ध्यान करेगा वहाँ पर खिंचाव होना शुरू हो जाता है, एक सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर जो लगाव होता है जंगली जानवरों से होना शुरू हो जाता है, पहाड़ों से, हरी भरी पहाड़ों से या फिर बहते हुए पानी से। इस प्रकार को देखते ही वो उस व्यक्ति का जो मन है वो सुगंधित हो जाता है, खिल जाता है, उसको आनंद आता है इन सब चीज़ों में। वो ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में घूमना पसंद करता है, पहाड़ों में देखना, उनकी तस्वीरें देखना या फिर उस रास्तों पर जाना, उस व्यक्ति का लगाव उन रास्तों से हो जाता है, पर्यावरण से उस व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा लगाव बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को रात्रि में सोते हुए कई बार प्रकाश भी नजर आ सकता है, अचानक ही बहुत तेज प्रकाश आपकी आंखों के सामने आ जाए और आपकी नींद खुल जाए, तो यह भी एक दिव्य शक्ति का संकेत है। जो आपके शरीर में वो ऊर्जा है वो मंडराती है, वो अप डाउन होती रहती है, इसी वजह से उस ऊर्जा का जो प्रभाव है वो आपके ध्यान में नज़र आता है। बिल्कुल व्हाइट प्रकाश, बहुत ही ज़्यादा तेज प्रकाश होता है वो, उसकी वजह से आपकी नींद भी खुल सकती है, इतना तेज प्रकाश आपको नज़र आ सकता है। ध्यान के माध्यम से भी आपको ईश्वर की देवी देवताओं की तस्वीरें दिखना शुरू हो सकती हैं, तो ऐसा होने पर भी दिव्य शक्तियों का एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।